दोस्तों आगे डिबेट में आप अंजना कश्यप को पूरी ताकत के साथ सरकार का समर्थन करते हुए देखेंगे। अंजना बार बार झूठ बोल रही है कि विपक्ष राम मंदिर का विरोध कर रहा है। इसी झूठ पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने अंजना कश्यप को एक्सपोज करते हुए बड़ी बेदर्दी से धुलाई की है। इस डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता भी कंचना यादव को घेरने लगे, लेकिन कंचना यादव ने अपने जवाबों से बीजेपी प्रवक्ता को दिन में तारे दिखा दिए और डिबेट के आखिर में तो अंजना टीएमसी के नेता से उलझ गई, जिसके बाद टीएमसी नेता ने अंजना मैडम को एक लाइन में जवाब देकर शानदार धोया है, वो देखना मत भूलना। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। मेहमान भी जो जुड़े हुए हैं आरजेडी की तरफ से, आपके पास मैं आकर शुरुआत करना चाहती हूँ अंजना जी, क्योंकि ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ऐसा विरोध करने का इसमें क्या है? ये तो हर भारतवासी के लिए हर्ष का दिन है। इसमें इसका विरोध करना क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है बीजेपी को इससे फायदा हो जाएगा, मोदी को फायदा हो जाएगा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं 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 अंजना जी, ये गलत है कि हम विरोध कर रहे हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, कुछ बातें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं कहना चाहूंगी कि भारत जो है एक कर्म भूमि है, ये कोई भोग भूमि नहीं है और ना ही एक धर्म की भूमि है। तो जिस तरीके से वीआईपीज को वहां पर बुलाया गया और बाकी देश की जनता को उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से या टीवी के माध्यम से दिखाया गया, हम लोग भी दिन भर देखे हैं, तो इससे एक चीज साबित होती है कि ये देश को भोग भूमि की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कर्म भूमि की जब बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 11 दिन से अनुष्ठान किए हुए हैं और मंदिर मंदिर वो जा रहे हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अब जब सब कुछ खत्म हो गया तो कल से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के लिए वो उस पर लग जाएंगे। और रही बात कि अगर इस देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, जो मजदूर वर्ग है, कामगार वर्ग है, किसान वर्ग है, अगर वो 11 दिन से अनुष्ठान करके सब कुछ छोड़ छाड़ के मंदिर मंदिर घूमने लगे तो इस देश का क्या होगा हम बता नहीं सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात, हम राम के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं, उनके संदेशों को मानने वाले लोग हैं और उसी संदेश के चलते आप देखे होंगे कल समस्तीपुर में एक अस्पताल जो है उसका लोकार्पण किया गया और उस अस्पताल का नाम भी माता सीता के नाम से और प्रभु राम के नाम से रखा गया है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम गाड़ी में अगर स्टिकर लगाकर चले जय श्री राम, हम एकदम सड़कों पर जाकर तलवार भागे, तभी हम प्रभु राम के भक्त होंगे। प्रभु राम के जो भक्त है वो अलग अलग रूपों में काम करते हैं। ये आरोप ही अपने आप में बहुत गलत आरोप है कि हम भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। अरे हम तो राम के पॉलिटिसाइजेशन का विरोध कर रहे। गरीब के लिए अगर मुफ्त का भोजन मिलता है तो सिर्फ मंदिर में भंडारा चलता है, गुरुद्वारे में लंगर चलता है और कहीं नहीं चलता। मैं किसी दूसरे धर्म के स्थान का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कहीं मुफ्त का भोजन नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो इसलिए जो आपने कहा हम जिस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं वो ये इंश्योर करती है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। और मैं फिर अभी सुधांशु जी जो कह रहे थे कि ये मुफ्त 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 का कई बार इस्तेमाल किया, आखिर में सर आप लोग मुफ्त का इस्तेमाल कब करना बंद करोगे? ये अपमान है देश के लिए। अरे देश के लोगों को इंडिपेंडेंट बनाओ, वो खुद कमा सके। और रही बात, ठीक है आज सबके घर में दिवाली मनाई जा रही है, दिया जलना चाहिए, लेकिन उनके घर का क्या जिसको आपने उजाड़ दिया है? 800 घर आपने तोड़ दिया राम पद बनवाने में और 2200 दुकानें तोड़ दिया, उनको आपने विद्रासन भेज दिया है, वो लोग कहां पर दिया जलाएंगे? सर आप तो ये बता दीजिए जिनके आंखों में आंसू है। वक्त की कमी है, मुझे सबसे रिएक्शन लेना इस पर जी की बात पर। ममता जी ने भी सर्वधर्म संभाव रैली आज निकाली है, लेकिन कहां सर्व धर्मों के शांति को, सद्भाव को? कोई चुनौती थोड़ी ना थी आज अगर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ऑल फेथ रैली ममता बनर्जी निकालती है, जहां पे उनके साथ 2000 सनातन धर्म के धर्मगुरु चले, उनके साथ सिख के, बुद्धिस्ट के, जैन के, मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु उनके साथ आज वॉक किए, तो इससे बीजेपी को मिर्ची क्यों लगती है?